राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हो तो सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तशोशी क्रिएशंस पर फ्रेंड्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बटरफ्लाई की टिकटेक पिन बनानी बताई थी और आज उसी टिकटैक पिन से मैं देखिए एप्पल का डिज़ाइन बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर है आप देख सकते हैं ये देखिए हमारी छोटी छोटी गर्ल्स को बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये डिज़ाइन और ये इस तरह से पिन लगा दी है मैंने ये देखिए टिकटैक पिन है और ये देखिए बहुत ही सुंदर एप्पल का डिज़ाइन है हमारा बहुत ही प्यारा लगेगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप ये ज़रूर अपनी गुड़िया के लिए बनाएंगे तो उसे भी बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंड्स चलिए बहुत ही सिंपल सी सुंदर सी एप्पल की पिन बनाते हैं तो सबसे पहले हम थ्रेड ले लेंगे फ्रेंड्स ये आप रेड में पिंक में ग्रीन में एप्पल बना सकते हैं तो ये देखिए सबसे पहले रिंग के अंदर से हमने इस तरह से थ्रेड लिया थ्री चेन ली तो ये हमारा वन डबल क्रोशे काउंट होगा अब रिंग के अंदर से ही हमें डबल क्रोशे बनाने हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन जो हमने यहाँ पे थ्री चेन ली थी हम उसे भी काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास ट्वेल्व होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन अब लास्ट डबल क्वेश्चन बना लेंगे ट्वेल्व तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास बेस आ गया ये हमारा एप्पल का बेस होगा और थ्रेड को हम पुल कर लेंगे और इसे हम सेंटर से क्लोज कर लेंगे अब जो हमने थ्री चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा के इसे क्लोज कर लेंगे देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स इसे क्लोज करने के बाद सेम स्पेस में हम हाफ़ डबल क्रोशी बनाएंगे इस तरह से क्रोशिया के ऊपर थ्रेड लेंगे और जो जो पे स्टिच पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था उसी पे हम इस तरीके से हाफ डबल क्रशे बनाएंगे यानी कि फर्स्ट चेन में ही हमने हाफ डबल क्रशे बना लिया अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशे बनाना है वन टू सेम स्पेस में हमें डबल क्रशे बनाने हैं थ्री और ये फोर फोर डबल क्रोशे हमने सेम स्पेस में बना लिए सबसे पहले हमने हाफ डबल क्रोशे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ पे बनाया फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक ही चेन में चार डबल क्रशे बना लिए अब इसके बाद वाली चेन में हम जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से तीनों लूप्स में से थ्रेड निकालेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा हाफ डबल क्रोशे बनाया अब साथ में ही इसके साथ में ही हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे देखिए इस तरीके से अब अगली चेन में सिंगल क्रोशे फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशे तो ये देखिए इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे बना लिया दो बार पहले हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया फिर अगली चेन में हमने चार डबल क्रोशे एक साथ बनाए फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे एक साथ बनाया फिर दो सिंगल क्रोशे हमने अलग अलग बनाए अब इससे अगली चेन में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और सेम स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे और सेम ही स्पेस में स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से देखिए अब हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे फिर हाफ डबल क्रोशे लेंगे और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो ये हमारी एप्पल की जो है वो शेप आ जाएगी यहाँ से देखिए अगली चेन में जाएंगे एक सिंगल क्रोशे फिर अगली चेन में जाएंगे फिर एक सिंगल क्रोशे फिर अगली चेन में जाएंगे तो एक सिंगल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था अब अगली चेन में चार डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे एक दो तीन चार देखिए इस तरीके से इतना बनाने के बाद अब अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया था इस तरीके से अब जो हाफ्टवेयर कोशिश स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के थ्रेड को कट कर लेंगे ये देखिए ये हमारा एप्पल का बेस बन गया अब वो जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट किया था उसे हम बैक साइड पे ले जाएंगे और जो ये दोनों थ्रेड हैं इन्हें हम नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हमारा जो है डिज़ाइन खुले ना इस तरीके से दो या तीन बार आप इस तरीके से नॉट लगा सकते हैं ये देखिए अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे इस तरीके तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा एप्पल का बेस जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है अब हम इस तरीके से लीफ बनाएंगे ये देखिए ग्रीन कलर से लीफ बना लेंगे ये देखिए ग्रीन कलर लेंगे और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ से हम थ्रेड को लेंगे और यहाँ से हम चेन लेंगे वन चेन और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे ताकि हमारा थर्ड सिक्योर हो जाए ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमारा थर्ड जो है वो सिक्योर हो जाता है यहाँ पे अब यहाँ पे हम चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव अब जो सेकंड चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशे बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे तो डबल क्रोशे बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे फिर हम डबल क्रोशे बना लेंगे फिर नेक्स्ट चेन में हाफ़ डबल क्रशे बनाएंगे इस तरीके से तो ये देखिए हाफ़ डबल क्रोशे दो बार से सिंगल क्रोशे फिर हाफ फिर दो बार डबल क्रोशे फिर हाफ़ डबल क्रशे अब जहाँ से ज्वाइंट किया था वहाँ पे जाके इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे तो ये देख सकते हैं हमारी लीफ रेडी है अब थोड़ा सा लंबा थ्रेड कट कर लेंगे ताकि हम इसे पीछे की तरफ ले जा सिक्योर कर सकें ये देखिए अब इसी थ्रेड को हम बैक साइड पे यहीं से निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से अब हम इन दोनों के भी नोट लगा के सिक्योर कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स लीफ तो बन गई अब हमने ये छोटी सी एक स्टैम्प भी बनानी है ताकि हमारा एप्पल का लुक जो है वो बहुत ही सुंदर आए तो ये स्टैम्प बनाने के लिए आप कोई भी लाइट या डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं मैंने देखिए डार्क कलर में भी बना रखी है और अब ये स्किन कलर है इसमें बना देती हूँ जहाँ से हमने लीफ के लिए लिया था थ्रेड वहीं से हम स्टैम के लिए भी थ्रेड ले लेंगे इस तरीके से और ये देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स चेन ले लेंगे और सभी चेन में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से ये देखिए अगली चेन में जाएंगे, फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे तो ये लास्ट तक हमें इसी तरह से स्लिप स्टिच लगा लेना है देखिए और लास्ट में जो स्टार्ट किया था हमने जहाँ से वहाँ पे जाएंगे और एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से फिर से थोड़ा लंबा थ्रेड कट कर लेंगे ये देखिए इसको यहीं से वापस निकालते हुए हम बैक साइड पे नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी एप्पल का जो है बेस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एप्पल बेस रेडी है अब इसमें इस तरह से हम कोई भी आर्टिफिशियल नग लगा सकते हैं या कोई बड़ा मोती आप यूज़ करना चाहें तो लगा सकते हैं मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा बड़ा मोती इसमें ना लगाएं क्योंकि फिर इससे जो हमारा एप्पल है उसको सिर्फ नग ही हाईलाइट कर लेगा या मोती हाईलाइट कर लेगा तो एप्पल हमें अच्छे से नहीं दिखेगी लेकिन अगर इस तरह से छोटा सा लगा देंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा एप्पल का लुक भी बहुत प्यारा आया है तो इसी तरह से मैं बीच में किसी भी कलर का लगा देंगे हम एक स्टोन यहाँ पे देखिए ये चिपकाने वाला स्टोन यूज़ कर रही हूँ मैं तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा इस तरह से चिपक जाएगा अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एप्पल हमारी कितनी सुंदर लग रही है अब जैसे हमने यहाँ पे पिन चिपकाई है इसी तरह से इसके बैक साइड पे यहाँ पे पिन लगा लेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये इस तरीके वाले पिन यूज़ करेंगे और जो मैंने आपको पहले बटरफ्लाई में दिखाई थी पिन हम यहाँ पे वो वाले पिन यूज़ नहीं करेंगे ये देखिए ये वाली पिन क्योंकि तो ये फिर हमारी पिन अगर हम इस तरीके से लगाएंगे आप यूज़ कर भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ये वाली पिन यूज़ करी क्योंकि इससे देखिए बेस अच्छा बनेगा हम इस तरीके से इस पिन को यहाँ पे लगा देंगे अटैच कर देंगे और अगर हम ये इस तरीके से ये वाली पिन लगाएंगे तो हमारा बेस जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा आप खुद देख सकते हैं देखिए तो हम यहाँ पे मैं इसलिए ये कवर्ड पिन जो है वो वो वाली पिन यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी पिन का लुक भी अच्छा आए और अगर हम किसी को गिफ्ट पर्पज़ -पर से दे रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक लगे हैवी लगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पिन लगा देंगे हम ये देखिए मैंने पिन पर गम लगा लिया है और इसको अब हम ये जो शेप है हमारी ये इस तरीके से लगाएंगे ये देखिए ताकि एप्पल जो जब हम इसे सिर में लगाएं तो ये हमारा लुक इसी तरीके का है यहाँ से पिन खुल जाएगी ये देखिए इस तरीके से और ये सिर में यहाँ से लग जाएगी तो ये हमारी एप्पल जो है वो इस तरीके से बिल्कुल सीधी आएगी सिर पे तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके Thanks for watching.